हाय गाइस, स्वागत है आपका राठौर बर्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं डाइट प्लान सीरीज में 6 मंथ के पपी के लिए डाइट प्लान जो मैंने यूज़ किया है। और उसके साथ ही मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके राठौर पपी का बैक लेग वीक हो रहा है या उसमें कुछ लैग आ रहा है या बेंट हो रहा है थोड़ा सा उसकी बोन्स, आपको ऐसा लग रहा है चलने में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं दोनों ही चीज़ें अच्छे से आज डिस्कस करूँगा इस पर। ओके, तो हम पहले बात करते हैं डाइट प्लान के बारे में कि मैंने देखिए 6 मंथ में इसे क्या यूज़ किया है। आप ये देख सकते होंगे, ये रॉयल कैनिन का 12 kg वाला पैक है। ठीक है, ये करीब 8,500 का पड़ता है, आपको लोकल मार्केट में आपके 10% 20% डिस्काउंट के हिसाब से कुछ सस्ता पड़ सकता होगा। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको रॉयल कैनिन दिया है और उसके साथ मैंने एक टाइम दिन में होममेड फूड दिया है। होममेड फूड में मैंने दो चीज़ें कर दी हैं, एक तो दाल और चावल कर दिया है, कभी दाल चावल दे देता हूँ और कभी चिकन एंड राइस दे देता हूँ। ठीक, अल्टरनेट डेज पे इसको लगाते हैं। अब दाल चावल देने वक्त एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि दाल में आपको साल्ट नहीं डालना है, बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है और टर्मरिक उसमें ऐड कर देना है। ठीक, अभी मैंने आगे एक वीडियो लगा रखी है, उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने दाल चावल इसको दिया है और चिकन राइस दे देते हैं, तो ये अल्टरनेट डेज पे देते हैं। तो अगर आप सिर्फ रॉयल कैनिन देना चाहते हैं तो करीब आपको 6 मंथ पे 550 ग्राम उसको फुल डे में देना होगा। लेकिन साथ में चूँकि मैं होममेड फूड एक टाइम ऐड कर देता हूँ, इसलिए मैंने रॉयल कैनिन की जो डाइट रखी वो 400 ग्राम रखी और उसके साथ दिन में एक बार चिकन राइस या दाल और चावल ऐड कर देते हैं। बाकी साथ में सप्लीमेंट्स आप ज़रूर देते रहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज मत करिएगा, अंडर डोज ही रखिएगा या फिर नॉर्मल डोज रखिए, लेकिन ओवरडोज नहीं होने पाए। चिकन की डोज आपको वही याद रखनी है, लगभग अगर आप चिकन राइस दे रहे हैं तो 2 या 3% अपने डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रॉयल कैनिन दे रहे हैं, रॉयल कैनिन में ऑलरेडी जो प्रोटीन होता है अच्छे से। और लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसकी डोज कम कर रहे हैं और रियल चिकन दे रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, तो 2% बस बॉडी वेट के हिसाब से उसको चिकन ऐड करिएगा उसकी डाइट में। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, जो था कि लेग बेंडिंग प्रॉब्लम या बैक लेग जो वीक होने लगता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब रॉटवेलर हमारा जो पपी है ये 4 से 7 मंथ या 6 मंथ के बीच में बहुत ही फास्ट ग्रो करता है और इसी बीच में उसकी जो बोन्स होती हैं वो रैपिडली ग्रोथ करती हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर जो है डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन नहीं है तो बोन्स पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है, एक्स्ट्रा जो है प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो बेंट होने लगती हैं या कभी कभी अलाइनमेंट नहीं होता उनका सही से, या इंजरी हो गई अगर किसी वजह से डॉग को, चोट लग गई खेलते वक्त या सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त या किसी भी तरीके से, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे बनती चली जाती है, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, उसका तरीका क्या है कि पहली चीज़ तो आप डाइट सही रखिए और एक्सरसाइज रेगुलर कराइए और उसके साथ आपको सप्लीमेंट अगर ज़रूरत पड़ता है तो ये सप्लीमेंट है हमारे पास पेट जॉइंट, आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसी एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर टोटल 5 स्ट्रिप होती है, एक अगर आप ये लेते हैं तो करीब 200 रुपये का आपका पड़ता है और ये आपको बॉडी वेट के हिसाब से देनी है आप उसको। जैसे अगर आपके पपी का बॉडी वेट 20 kg है तो आप इसको 1 टैबलेट इन अ डे दीजिए, अगर 20 से 40 kg है तो आप 2 टैबलेट्स इन अ डे दीजिए और अगर 40 से अबव है तो आपको 3 टैबलेट देनी पड़ेंगी एक डे। और ये चीज़ आपको तभी देनी है अगर मान लीजिए उसको बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि बैक लेग में कुछ इशू आ रहा है तभी आप दीजिएगा, अदरवाइज इसको मत यूज करिएगा। ठीक, और आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा 4 से 7 मंथ के बीच की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए आपको अपने पपी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो चोट ना खा जाए। ठीक है, और प्रॉपरली उसकी एक्सरसाइज हो रही है या नहीं, उसके बाद जहाँ एक बार एडल्ट में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही फेस है, इसको आपको अच्छे से
सही से निकालना है उसके लिए, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, पसंद आया हो तो कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।